पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में रंगापानी स्टेशन पर एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को मारी टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे पर जताया दुख। अधिकारियों से बात कर स्थिति का लिया जायजा। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये, घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। देशभर में आज मनाया जा रहा ईद उल अजहा का त्यौहार। मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी, एक दूसरे को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईद उल अजहा के पर्व पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार सभी को मिलजुल कर रहने तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जल संकट पर दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा का लगातार विरोध प्रदर्शन। पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता के कारण दिल्ली के लगभग 3 करोड़ आबादी को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि नेट परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को लेकर सरकार संवेदनशील है। दोषी पाए गए बड़े से बड़े अफसर पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एनटीए में सुधार की भी जताई गुंजाइश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 7वीं किस्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऋषिकेश एम्स में आंखों के ऑपरेशन के बाद मां सवित्री देवी का हालचाल जाना। मां के साथ मुलाकात के पल कुछ खास रहे। डॉक्टर से ऑपरेशन के बाद होने वाली सावधानियों के बारे में भी पूछा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 4 साल से बिजली दरें नहीं बढ़ी हैं। सरकार का प्रयास होगा कि आगे भी उपभोक्ताओं को बिना किसी बढ़ोतरी के बिजली मिलती रहे। उपभोक्ता भी इसमें सहयोग करें। मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ की ओर से 24 जून से अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग दिन तय किए गए हैं। और भारतीय सेना को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने 120 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागस्त्र का पहला बैच सौंपा है। प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू होगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान। 31 जुलाई तक चलेगा। मोहल्ला निगरानी समितियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। उनतालीस करोड़ से आजमगढ़ में बनेगा फॉरेंसिक लैब। योजना विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसी के जरिए निर्माण की गुणवत्ता व प्रगति को परखा जाएगा। अयोध्या के लिए राजस्थान के शिवगंज से पहुंचा 1 टन का राम धनुष एवं 1.5 टन वजनी गदा। गदा का वजन 1600 किलो और राम धनुष का वजन 1100 किलो है। कानपुर में कर्नलगंज इलाके में एक कार वर्कशॉप में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के लिए प्रयास जारी है। शामली के किराना क्षेत्र स्थित यमुना नदी में गंगा दशहरा पर्व पर स्नान के लिए पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं में हरियाणा प्रांत के करीब 25 लोग डूब गए। इनमें अलग अलग घटनाओं में 2 किशोरियों समेत 3 की मौत हो गई। प्रदेश में 19 जून तक गर्मी और लू से राहत के आसार नहीं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी की मार। यूपी और पंजाब में हीट वेव का रेड अलर्ट।